आ रही है कि दो लोग अपनी जान भी गंवाए हैं, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। रेलवे की उच्च अधिकारी फिलहाल मौके पर है, राहत काम तेजी से किया जा रहा है। सीएम योगी ने भी इस हादसे का संज्ञान लिया है, घायलों का इलाज कराया जाए, सीएम योगी ने ये निर्देश दिया है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। यूपी के गोंडा में यह बड़ा रेल हादसा हुआ है, जहाँ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। ट्रेन की 15 बोगियां पटरी से उतरी है, जिनमें से 3 पलट गई है। हादसे में अब तक लगातार देखिए मृतकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। पहले 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब जो है 4 यात्रियों की मौत की खबर सामने आ रही है। 20 से 25 यात्री जो है लगभग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के अफसर मौके पर पहुंच गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। ट्रेन चंडीगढ़ से आ रही थी, हादसा झिलाही रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई डिहवा में हुआ। गुरुवार दोपहर गोंडा और बस्ती के बीच झिलाही स्टेशन के पास गाड़ी पहुंची तो ट्रेन डिरेल हो गई और इसके बाद ट्रेन की बोगियां पलट गई। ट्रेन में सवार एक यात्री ने कहा कि गोंडा से 20 किलोमीटर दूर करीब 2:30 बजे ये हादसा हुआ है। यहाँ से मनकापुर स्टेशन करीब 5 किलोमीटर है, 3 बोगियां पलट गई है। ट्रेन में सवार एक यात्री ने कहा कि गोंडा से 20 किलोमीटर दूर जो है ये हादसा हुआ है। मनकापुर स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 बोगियां पलट गई है। लगातार रेलवे के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी, उनकी भी मौके पर मौजूदगी है। सीएम योगी जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है, योगी आदित्यनाथ, लगातार वो भी इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं और प्रशासन को आदेश दे दिया गया है। खुद योगी ने संज्ञान लिया और राहत बचाव का कार्य लगातार वहां पर जारी है। 4 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आ चुकी है, लगातार वो भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। असम सरकार संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है, हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इस पर जो है हम जो यात्री हैं उनका भी बयान सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस समय हम आपको पंजाब केसरी टीवी की स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि जो 15 बोगियां हैं वो फिलहाल जो है वो उतर गई है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। असम के सीएम से लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुखिया है योगी आदित्यनाथ, लगातार घटना पर नजर बनाए हुए हैं। घटनास्थल पर रेलवे के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, दो जो यात्री हैं, उनका क्या कुछ कहना है हम सीधे सुनवाते हैं आपको। यहाँ ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी जी, ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। यहाँ ये 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ, चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ, और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ, एक बोगी ऐसे लगी है, बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है, पटरियाँ खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअल्टी भी हो सकती है, अभी उसका मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी जी, ऐसा सुनने में आया। थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।